हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ होममेड हेयर टोनर। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑयल अप्लाई करने के लिए, उनके लिए मैंने ये हेयर टोनर बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है और साथ ही साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना, उसको भी इम्प्रूव करता है। स्कैल्प में आपके जो डैंड्रफ वगैरह है या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है आपके हेयर से रिलेटेड, ये हर चीज़ का सारी प्रॉब्लम को आपके दूर करेगा। तो आपको कैसे लगाना है और आपको इसे कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए कि इसकी बिल्कुल मैं बात करिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई, उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े कप पानी ऐड कर लेना है और इसे गर्म होने देना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें बबल्स दिखने लग जाएंगे, तो हम इसमें एक एक करके जो इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं टोनर बनाने के, उन्हें ऐड करते जाएंगे। तो ये पानी हमारा गर्म हो गया है और हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच वाइट राइस, जो हम घर में यूज़ करते हैं, खाने वाला चावल जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसी को हमें 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच फेनोग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। ये भी हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, इजली मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच कलौंजी के बीज। हम यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो सारे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, बाहर से कोई चीज़ नहीं लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर करी लीव्स ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। ये फ्रेश करी लीव है, मैंने लिया है, इसे पहले वॉश कर लिया उसके बाद ही मैंने इस पर ऐड किया है। और उसके बाद हम आखिरी में इस पर ऐड करेंगे गुड़हल के फूल, ये कुछ गुलहर के फूल ऐड कर लेना है हमें इस पर 10-12 कली। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसे हम धीमी आंच पे पकने देंगे। जब तक पकने देंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसे ठंडा होने देंगे, गैस को बंद कर देंगे। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे 1 ग्लास बॉटल पर छान कर रख लेंगे। इस तरीके से कोई भी ग्लास बॉटल आप ले लीजिए, आपके पास कोई भी ग्लास बॉटल हो या एयर टाइट आपके पास कोई भी कंटेनर हो, तो उस पर आप इसे छान लीजिए और इसको आप भर कर फ्रिज पर स्टोर कर लीजिए। ये आराम से आपका 1 महीना चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर छान कर इस बॉटल पर इसे रख लूँगी। और जो ये बच गया है मेरे पास, तो उसे मैं इस तरीके की, एक मेरे पास है प्लास्टिक की स्प्रे बॉटल रखी हुई थी, तो इसी में मैंने इसे भी छान कर रख लिया है। और इसी स्प्रे से हमें अपने हेयर पर अप्लाई करना है। कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, सुलझा लेना है। अच्छे से सुलझा लेना है। उसके बाद हमें इसे स्कैल्प में, स्कैल्प में ही, अपने सिर के स्कैल्प में ही इसे अप्लाई करना है। इस तरीके से स्प्रे बॉटल से अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों के जितने रूट्स पे ही हमें इसे अप्लाई करना है। आप चाहे तो पूरे बालों पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं ना, वो सारे हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा ये हमारे बालों को। तो आप इसे अपने पूरे बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं हफ्ते में। जब जब आप इसे अपने बालों को शैम्पू करने जा रहे हो तब तब आप इसे 1 घंटे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे बालों के रूट्स पे हमें अप्लाई करना है, पूरे स्कैल्प पे हमें लगाना है अच्छे से। आप चाहे तो पूरे बालों पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे इस तरीके से लगे रहने देंगे 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद मैं इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसी शैम्पू से आप इसे वॉश कर लीजिए।
लगाने के बाद क्या शैम्पू करना ज़रूरी है? तो शैम्पू करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बालों को धोना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने बालों को धोने जा रहे हैं तो आप इसे 1 घंटा पहले अप्लाई कर लें। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मॉर्निंग में इसे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी आप काम कर रहे हैं अपना, वो काम कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे रोज़ नहाते हैं नॉर्मल, वैसे आप इसे शैम्पू कर लीजिए। तो शैम्पू करना ज़रूरी नहीं, आप इसे नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और नहीं तो आप इसे, आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं उससे भी आप धो सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।